हमारे भारत में एक विषय चलता है गणित में, जिसको मॉडर्न मैथमेटिक्स के नाम से आजकल कहने लगे हैं, कैलकुलस। और उसके दो हिस्से हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये इंटीग्रल कैलकुलस सबसे पहले भारत में लाया जिस महर्षि ने, उनका नाम था माधवाचार्य। और डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी दुनिया को सिखाया जिन महर्षि ने, उनका नाम था भास्कराचार्य। डिफरेंशियल कैलकुलस का आज का पूरा सिलेबस भास्कराचार्य जी की पुस्तक को सामने रख लो तो समझ में आ जाता है। और माधवाचार्य जी की जो गणित की पुस्तक है उसको पढ़कर डिफरेंशियल वो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है। और गणित में सबसे ज्यादा शोध दुनिया में हुआ है तो वो भारत में। भारत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं दुनिया में, वो फ्रेंच लोग हैं। फ्रांसीसी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि गणित अगर हमने सीखा है और दुनिया ने सीखा है तो वो भारत से सीखा है। और गणित की जो मूल बात है, शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, ये सारी दुनिया को भारत की देन है।